हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है टाटा की सफारी जिसके हम सबसे बेस्ट मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है इसमें कितनी जो है मिनिमम आप डाउन पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद आपको कितना लोन लेना पड़ेगा और उस लोन को जो है तो आप ई से उसका जो है मंथली ई भी कैलकुलेट कर सकते हो तो वो भी हम आप जो है कैलकुलेट करके बताएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेज में कि डि� अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो या मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो है कितनी मंथली ई आपकी बनेगी और आपको हम ये भी बताएंगे कि कार लोन कौन से बैंक से आपको लेना चाहिए किस बैंक में है जो कार लोन का लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है कहां पे जो है की प्रोसेसिंग फीस जो है है काफी कम है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है आखिर तक पॉज करिएगा तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्या चल रहा है तो है टाटा सफारी जिसका सबसे बेस्ट मॉडल है और टाटा सफारी की जितनी गाड़ियां हैं सिर्फ डीजल वेरिएट में अवेलेबल है तो यहाँ पे इसके हम बेस मॉडल की बात करेंगे जो है एक्सी डीजल बेस मॉडल एक्स रूम प्राइस है पंद्रह लाख चौबीस हजार नौ सौ आरटीओ चार्जेस है दो लाख एक हजार तिरसठ इंश्योरेंस चार्जेस है सत्तर हजार आठ सौ अदर चार्जेस है पंद्रह हजार दो सौ उनचास ऑन तो रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा अठारह लाख बारह हजार एक सौ रुपए तो ये इसका सबसे सब बेस्ट मॉडल का जो है ऑन रोड प्राइस होगा दिल्ली के हिसाब से अठारह लाख बारह हजार एक सौ रुपए अब हम देखने पर देखते हैं कि आप मिनिमम जो है कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हो तो उससे पहले हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर इस साइट पर आपको हर बैंक का होम लोन पर्सनल लोन कार लोन टू व्हीलर लोन एजुकेशन लोन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह मिल जाएंगे और कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह जो बैंक लॉन्च करती है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा जैसे कि मैं कार लोन के सेक्शन में किसी भी, भी गया जैसे मैं आई सी बैंक कार लोन सेक्शन में गया यहाँ पे देखिए काफी सारे आपको लिंक मिल जाएंगे कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह इंटरेस्ट वगैरह चेक करना एलिजिबिलिटी चेक करनी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर तो इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा अब हम चलते हैं यहाँ पे डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर तो चलते हैं यहाँ पे मिनिमम अगर आप एक लाख इक्यासी हजार की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा सोलह लाख इकतीस हजार एक सौ छः रुपए इसके आसपास का जो है आपको लोन लेना पड़ेगा अब हम चलते हैं अपने मंथली ई एम कैलकुलेटर पर यहाँ पे हम चलते हैं कार लोन के सेक्शन पे और अमाउंट डाल देते हैं तो हमने यहाँ पे सोलह लाख इकतीस हज़ार एक सौ छः जो है अमाउंट डालिया अब इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट की बात आती है तो ज़्यादातर बैंकों की जो स्टार्टिंग है तो अभी इंटरेस्ट रेट के बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे जो ज़्यादातर बैंकों में इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग है वो लगभग आठ परसेंट से स्टार्टिंग होती है और दस से ग्यारह परसेंट के अराउंड जाता है तो उसके लिए आपको क्या है सिविल स्कोर आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा आपका सिविल स्कोर अगर आपका सात सौ पचास के ऊपर होगा तो बैंक जो होगी वो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है कार लोन प्रोवाइड करेंगे वहीं अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन होगा तो बैंक जो है थोड़ा ज्यादा आपसे इंटरेस्ट रेट लेगी लोन टेन और जो है मैक्सिमम सात साल के लिए सकते हैं तो मैंने यहाँ पे सात साल सेलेक्ट कर लिया आप देखिएगा आपका मंथली एमआई क्या बनेगा अगर आप सोलह लाख इकतीस हजार का लोन लेते हो तो यहाँ पे लोन ई जो बनेगा वो बनेगा पच्चीस हजार आठ सौ इकतीस रुपए टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पांच लाख अड़तीस हजार छह सौ सत्तानवे रुपए टोटल पेमेंट प्रिंसिटरे जो करनी होगी बैंक को वापस वो करनी होगी इक्कीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ तीन रुपए तो इस तरीके से आप जो है अगर मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो तो आपका जो मंथली ई है वो ये बनेगा अब हम एक और कंडीशन में लेके चलते हैं यहाँ पे अगर आप मिनिमम जो है चार लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन लेना पड़ेगा तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमने चार लाख एक हजार का मान लीजिए आप जो है डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा चौदह लाख ग्यारह हजार एक सौ छह रुपए इस लोन अमाउंट को हम अपने बेस्ट एम कैलकुलेटर पे कार लोन के अमाउंट में यहाँ पे डाल देते हैं तो यहाँ पे डाल दिया उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमेंट एन्य भी हमने सेम रखा देखिएगा आप आपका मंथली एम और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा तो मंथली एम आई आप आपका बनेगा बाईस हजार तीन सौ सैतालीस टोटल टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा चार लाख छाछठ हजार उनतालीस रुपए और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी अठारह लाख छह हजार एक सौ पैंतालीस रुपए तो ये उस केस में अगर आप चार लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा चौदह लाख ग्यारह हजार एक सौ छह रुपए अब हम एक लास्ट कंडीशन में लेते हैं अगर आप मैक्सिमम मैक्सिमम जो है छह लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा बारह लाख बारह हजार एक सौ छह जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप डाउन पेमेंट कर सकते हो तो उतना ही कोशिश करिएगा कि डाउन पेमेंट आप ज्यादा से ज्यादा कर सको ताकि जो है आपको लोन कम वगैरह लेना पड़े इससे आपको जो है इंटरेस्ट वगैरह भी जो है कम देना पड़े तो यहाँ पे अब लोन लेना पड़ेगा आपको बारह लाख बारह हजार एक सौ छह रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है से टेन सेम है अब देखिएगा मंथली एम टोटल इंटरेस्ट आपका क्या बनेगा तो मंथली एम आपका बनेगा उन्नीस हजार एक सौ पंचानवे रुपए टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा चार लाख तीन सौ सो सोलह रुपए और टोटल पेमेंट करनी होगी सोलह लाख बारह हजार चार सौ बाईस तो इस तरीके से जो है आप डिटेल में इसमें मंथली ई एम कैलकुलेट कर सकते हो और नीचे आएगा तो यहाँ से अपना ग्राफ के माध्यम से जितने भी सालों के लिए आपने ले रखा है तो उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अलग अलग दिखा देगा और नीचे आएगा तो यहाँ से डिटेल में अपना मंथली वाइज भी जो है अपना तो ई चेक कर सकते हो तो मंथली वाइज चेक कर सकते हो कि आपका कितना प्रिंसिपल कट रहा है और कितना इंटरेस्ट कट रहा है तो इस वेबसाइट से काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा अब हम चलते हैं कार लोन के इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक से तो यहाँ पर देख लेते हैं पी एन बी कार फाइनेंस है अगर आप अगर आप वुमेन हो या कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स हो तो उनके लिए जो स्टार्टिंग होती है पेट्रोल एंड डीजल कार की तो वो होती है से स्टार्टिंग होती है और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने आते हो तो सेवन पॉइंट फाइव फाइव से स्टार्टिंग है ये फिर पी एन बी कार फाइनेंस है अगर आप जो है अदर्स प्रोफाइल है वुमेन्स और कॉरपोरेट अकाउंट छोड़ के अलग कोई हो तो यहाँ पे सेवन पॉइंट सिक्स फाइव के इंटरशेट पे स्टार्टिंग हुई अगर आपका सिविल स्कोर सात सौ पचास के ऊपर है फिर यहाँ पे सात 700 से 750 के बीच में है तो 7.95 पॉइंट परसेंट एट परसेंट पर मिलेगा तब आपको जब आपका सिविल स्कोर जो है 700 के नीचे होगा यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.25 परसेंट लगेगी मिनिमम 1000 हजार होगी और मैक्सिमम पंद्रह सौ होगी फिर पी कार फाइनेंस अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट से लेते हो तो आपको एट के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिलेगा फिर आपके बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे सेवन से स्टार्टिंग होती है अगर आपका सिविल स्कोर सात के ऊपर है फिर यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक है आठ परसेंट यहाँ पे स्टार्टिंग होती है अगर आपका सिविल स्कोर सात सौ अड़सठ के ऊपर है एट पॉइंट वन से स्टार्टिंग होती है सिविल स्कोर अगर आपका सात सौ बावन से सात सौ अड़सठ के बीच में है एट पॉइंट थ्री परसेंट से स्टार्टिंग होती है अगर आपका सिविल स्कोर सात सौ बत्तीस के ऊपर सात सौ बत्तीस से सात सौ बावन के बीच का होगा एट पॉइंट फाइव फाइव के इंटरेस्ट रेट पर तब आपको मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर छ सौ नब्बे के ऊपर होगा और ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से आपको मिलता है फिर एस बी आई का लो जो कि फिक्सड इंटरस्ट रेट देता है तो यहाँ पे सेवन पॉइंट सिक्स फाइव से स्टार्टिंग होती है अगर आपका सिविल स्कोर सात सौ सत्तावन या उससे ऊपर है सेवन पॉइंट नाइन परसेंट पर आपको मिलेगा अगर आपका सिविल स्कोर सात सौ बीस से सात सौ छप्पन के बीच में है एट पॉइंट वन फाइव परसेंट पर मिलेगा अगर आपका सिविल स्कोर छः सौ अट्ठासी से सात सौ इक्कीस के बीच में है तो फिर यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेवन पॉइंट एट परसेंट से स्टार्टिंग होती है अगर आपका सिविल स्कोर आठ सौ के ऊपर है एट पॉइंट वन से मिलेगा तब आपको जब आपका सिविल स्कोर सात सौ पचास से सात सौ निन्यानवे के आसपास में है फिर यहाँ पे केनरा बैंक है सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट फॉर वुमेन बारोवर्स के लिए और सेवन पॉइंट नाइन टू टेन पॉइंट थ्री परसेंट मैन बारोवर्स के लिए यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस पॉइंट टू फाइव परसेंट यहाँ पे भी आपको देनी पड़ेगी आर बैंक फ्लोटिंग रेट से देता है एट पॉइंट वन से स्टार्टिंग होती है नाइन पॉइंट नाइन परसेंट तक जाता है यहाँ पर पच्चीस सौ प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी आई सी बैंक सेवन पॉइंट एट फाइव से स्टार्टिंग होगी एट पॉइंट फाइव परसेंट तक जाता है यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस चार हज़ार रुपये देनी पड़ेगी एच डी एफ सी बैंक सेवन पॉइंट नाइन से स्टार्टिंग होती है एट पॉइंट फाइव फाइव परसेंट तक जाता है यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस चार हज़ार एक सौ इकसठ रुपये देनी पड़ेगी एक्सिस बैंक भी है जो आपको एट से स्टार्टिंग होती है और एट तक जाता है और यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस चार देनी पड़ती है और इन दोनों ही साइटों पर बेस्ट ई कैलकुलेटर और ये है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर इन दोनों ही साइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा इन दोनों ही साइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमको जो है कमेंट करके बताइएगा कि आगे हम किस गाड़ी के बारे में जो है आपको ईएमआई और डाउन पेमेंट और प्राइस जो है इसका बताएं आपको डिटेल में तो हमको किसी के किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हो आप तो आज के वीडियो में बस इतना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद